दिवसीय दौरे पर मनीष सिसोदिया देहरादून, बिजनेस एंड ट्रेड डायलॉग्स में होंगे शामिल। उधम सिंह नगर में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ने का किया ऐलान। हरीश रावत चुनाव अभियान समिति के प्रमुख की निभाएंगे भूमिका। देहरादून में से मतदाता जागरूकता रथ को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। रथ गांव गांव जाकर मतदाताओं को करेगा जागरूक। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर हुई आगजनी और तोड़फोड़। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। परेड ग्राउंड में कर्मचारी संयुक्त संगठन के सदस्यों ने सचिवालय किया कूच। गन्ना मूल्य घोषित न होने से मंगलोर के किसान परेशान। पेरोई सत्र से किसानों को हुआ भारी नुकसान। मजबूरन आधे दाम पर कोल्हू में बेचा गन्ना। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे चमोली की खबर की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली के सैनिक बाहुली गांव सवाड़ से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे गढ़वाल मंडल में शहीद सम्मान यात्रा का आगाज हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सवाड़ गांव में शहीद स्थल पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया और शहीदों की स्मृति में 2 मिनट मौन भी रखा। शहीद सम्मान कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आदि लोग मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां 16 नवंबर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिसके बाद एक निजी होटल के आयोजित कार्यक्रम बिजनेस एंड ट्रेड डायलॉग में शामिल होंगे और व्यापारियों से संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोही संस्थान का दौरा कर उधम सिंह नगर में भगवंत मान द्वारा आयोजित जन रैली में शामिल होंगे। वहीं उत्तरकाशी के प्राचीन मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का विषय है हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आ रहे हैं। कल उनका दौरा देहरादून से शुरू होगा। देहरादून के पैसिफिक होटल में मनीष जी उत्तराखंड के सभी गणमान्य व्यापारी वर्ग के साथ रूबरू होंगे, उनसे 1-to-1 बात करेंगे और उत्तराखंड ट्रेडर्स डायलॉग के रूप में उनके साथ संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के बाद मनीष जी उत्तरकाशी के लिए निकलेंगे और उनका रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में होगा। खबर लक्सर से है, जहां के पंचेवली आश्रम पहुंचे दिल्ली के केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड की किस्मत बदलना उत्तराखंड के लोगों के हाथ में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ इसका माध्यम बनने के लिए राज्य में आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें मौका मिला तो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को रोशन करने का काम करेंगे। सोमवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लक्सर से पंचेवली स्थित रविदास आश्रम पहुंचे थे। वहां कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति को बदलने की तमन्ना लेकर दिल्ली के चुनाव में उतरी थी। दिल्ली से अच्छी शुरुआत होने के बाद अब पार्टी उत्तराखंड में आई है। अच्छा सोच के कांग्रेस की भी सरकार बनाई है, बीजेपी की भी सरकार बनाई है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का भला नहीं हुआ। उत्तराखंड के लोगों का भला आम आदमी पार्टी की आने वाली जो सरकार होगी 2022 की, वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लोगों के
भविष्य में उजियारा लाने का काम करेगी, क्वालिटी हेल्थ सर्विस लाने का काम करेगी, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करेगी। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़े। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय से मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन ने आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर मतदान शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता रथ एक कुमाऊं और दूसरी गढ़वाल मंडल में गांव गांव जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेगा। इस पर जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता और जागरूकता रथ गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मतदाताओं को नुक्कड़ नाटक व अन्य माध्यम से जागरूक करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। नवंबर 1 से नवंबर 30 तक हमारा समरी रिवीजन चल रहा है। 1/1/2022 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए जो भी 18 साल तक वहां पे होंगे तो उनका सभी का हम फॉर्म्स ले रहे हैं। तो जहां पे भी हमारा जेंडर रेशियो एडवर्स है वहां पे भी ये रथ हम भेज रहे हैं, जो एक गढ़वाल मंडल के लिए है और एक कुमाऊं मंडल के लिए है। तो उसका जो चार्ट रूट है वो देहरादून से विकासनगर, विकासनगर से चक्राता, चक्राता से त्यूनी, एक त्यूनी से पुरोला, पुरोला बारकोट, बारकोट से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से टेहरी, टेहरी से घनसाली, घनसाली से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से उखीमठ, उखीमठ से रुद्रप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग से गौचर, गौचर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग श्रीनगर, उसके बाद श्रीनगर से पौड़ी, सतपुली और लैंसडाउन, और उसके बाद कोटद्वार, हरिद्वार और बहरादाबाद और लक्सर, रूरकी और भगवानपुर। ये हमारा गढ़वाल का होगा। खबर देहरादून से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने महारैली निकाली। नई पेंशन के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया गया। कूच को लेकर परेड ग्राउंड में भारी संख्या में उत्तराखंड समस्त शिक्षक व अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के सदस्य मौजूद रहे। वहीं मौके पर पहुंचकर हमारी संवाददाता हिना आजमी ने विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया। आज हम मौजूद है देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां आप देख ही सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर प्रदेश भर के कर्मचारी आए हैं, जो कि सभी जिलों से यहां पर पहुंचे हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है इनकी मांगे। उमा ध्यानी, उमा जी क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमें अभी नई पेंशन जो है उसका वो खत्म हो जानी चाहिए और हमें ओपीएस चाहिए, पुरानी पेंशन हमारे लिए लागू होनी चाहिए। आप जिला मंत्री, जिला महामंत्री हैं मदन सिंह जी, क्या क्या मांगे हैं आप? मैडम हमारी मांगे 1 नवंबर 2005 से जो ये पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन को लागू किया गया है, हम इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उसके लिए हमारे पूरे देश भर में आंदोलन चला है। एनएमओ के बैनर तले आज हम यहाँ देहरादून में इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि चुनावी वर्ष है, सरकार हमारी की मांगों को माने, अन्यथा क्या होगा कि इस आंदोलन उग्र भी हो सकता है। बिल्कुल, इनका जो दर्द है वह छलक रहा है। ऐसे ही जो भर्तियां हैं उसमें विलंब हो जाता है और बहुत ही कम वक्त मिल पाता है इनको नौकरी का, और उसके बाद पेंशन को लेकर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, सीएम धामी लगातार लोगों की जो है जो भी हड़ताली है हड़तालियों की मान रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? एक मिनट, सीएम धामी जी ने अभी बहुत सारी लोगों की मांगे मानी है, वो कितनी खरी उतरती है तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो एक युवा नेता है और अभी एक बहुत अच्छा चेहरा उत्तराखंड में उभरा है, तो मैं उनसे उनके विवेक से एक यहाँ से अपील करना चाहूंगी कि ये जो पुरानी पेंशन है इसकी खामियों को गहराई से जांच करके इसको तुरंत हटाएं और हम पुराना पेंशन जो है वो हर कर्मचारी का अधिकार बनता है, क्योंकि कर्मचारी तभी कर्मचारी माना जाता है जब उसकी पेंशन होती है, क्योंकि एकमात्र उसके बुढ़ापे का सहारा है और आने वाला टाइम और बहुत टफ है। तो मैं करबद्ध निवेदन करूंगी अपने सीएम साहब से कि वो इस पर गौर करें और इस पर हमारे हक में उसका फैसला दें, पूरे कर्मचारियों के हक में उसका फैसला दें। यहाँ बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर सीएम धामी से उम्मीद लगा रहे हैं, जैसे कि युवा चेहरा है और लगातार वे कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं और
जो हड़ताल पर रहे हैं कर्मचारी उनकी मांगे मांग रहे हैं, लेकिन ये काफी लंबे वक्त से इन्होंने जैसे कि बताया कि साल 2005 से ये अपनी मांगों को लेकर यानी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ये एक लंबा वक्त हो जाता है सरकार के पास, लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में सरकार इनकी मानती है कि नहीं और पुरानी पेंशन को बहाल करती है या नहीं। कैमरा पर्सन आशु के साथ महीना आजमी के न्यूज देहरादून। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गाजीपुर से लखनऊ की दूरी या वाराणसी से लखनऊ की दूरी, इससे आप सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित ना किए जाने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना मूल्य घोषित ना होने से परेशान किसान कोल्हू में गन्ना बेचने को मजबूर हैं, जबकि कोल्हू में किसानों का गन्ना 220 रुपए प्रति कुंतल की दर से खरीदा जा रहा है। घोषित समय से 15 दिन बाद शुरू हुए पेराई सत्र से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसानों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मजबूरन आधे मूल्यों पर कोल्हू में गन्ना बेचना पड़ रहा है। पेरोई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जिससे किसानों को चिंताएं सताने लगी हैं। जबकि गन्ना मूल्य घोषित में देरी किए जाने को लेकर विपक्ष कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं हमारे संवाददाता अकील अहमद ने गन्ना किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। किसान की किसी भी समस्या को लेकर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई सरोकार ही नहीं है। अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश ने किया तो वो कम है, इस महंगाई के हिसाब से कम है। चीनी मिल में किसान गन्ना डालने लगा, कोल्हू में बहुत कम पैसों में डल रहा है और अव्यवस्था है, अभी मिलों में अव्यवस्था है, उस पर सरकार की कोई निगाह नहीं। किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने अभी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें कि उत्तराखंड की, उत्तराखंड का हरिद्वार जिला गन्ना काफ़ी तादाद में यहाँ पैदा किया जाता है और काफ़ी गन्ना किसान यहाँ है। इस वक्त हम मंगलोर के उत्तम शुगर मिल पर खड़े हैं, शुगर मिल शुरू हो चुकी है और गन्ना किसान यहाँ गन्ना डालने आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही किसान हैं जो गन्ना शुगर मिल में डालने आए हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या परेशानी हो रही है, अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है। सरकार ने अभी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को? देखिए जी, किसान की तो परेशानी इतनी है कि सुनने वाला कोई नहीं है। नंबर एक पहली परेशानी तो गन्ने के विषय में है। चलो गन्ने तो डालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका क्या मिले हमें, कब मिले, बात वो है। अब हर चीज़ फसल में जो भी डलती है उसे हम कहीं से भी खरीदने जाएं तो उधार कोई नहीं देता। जब से कोरोना काल लगा है उधार ख़त्म हो गया और हम गन्ना अपना उधार डाल के जा रहे, ये भी पता नहीं कितने दिनों में पैसे मिलेगा। और मेन बात यह है, गन्ना मिल खाली है, देखो आप कैमरा घुमा के दिखाओ साहब, और ये पर्ची देने में अन्ना कान नहीं कर रहा। पर्ची देगा तो इतनी देगा गन्ना, उसके ऊपर तले तार देंगे किसान। टाइम से पर्ची मिले, टाइम से खासकर अपनी अगली फसल की तैयारी करे और टाइम पे ये पेमेंट दे। पर्ची में अभी सर 0-0 डाल रहा है, बताओ खासकर कैसे विश्वास करेगा सरकार पे और इन उद्योगपतियों पे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार खासकर के हित में सोचे, कुछ नया
विचार लाए ताकि काश्तकार एकजुट होकर आय को बढ़ाए और अपनी जो कर्ज और सरकार थोड़ी काश्तकार के हित में जो कर्ज है उस पर भी थोड़ी रियायत दे। तो ऐसे गन्ना किसान का ये कहना है कि सरकार ने अभी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम आपको एक बात बता दें कि उत्तराखंड के गन्ना मंत्री भी हरिद्वार जिले से आते हैं। क्या इसके लिए अकील अहमद मंगलोर। रुड़की में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, साथ ही साथ उनका पुतला भी फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सलमान खुर्शीद का बयान देश की एकता और अखंडता को खत्म करने वाला है, ऐसे में लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के द्वारा सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हैं, वो समय समय पर हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के जितने भी आराध्य देवी देवता हैं उनको अपमानित करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ लगातार टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसी के विरोध में आज सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया है। संज्ञान में है कि भारत देश, भारतवर्ष ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है और इसमें भारतीय संस्कृति और संस्कार का होना आवश्यक है। और यदि भारतीय नागरिक में किसी में भी जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात की जाती है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को जोड़ने का उसके अंदर कोई भाव ही नहीं है, तो उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार और मिनी पंजाब कहे जाने वाले उधम सिंह नगर के जसपुर से किसान संकल्प यात्रा का बिगुल फूंका है। आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में अपना नया घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों की 3 सूत्रीय मांगों का भी समर्थन किया है। साथ ही 3 दिनों तक चलने वाली किसान संकल्प यात्रा का शुभारम्भ पंजाब के सांसद भगवंत मान ने करते हुए घोषणा पत्र भी जारी किया और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने भी किसानों के समर्थन में सांकल यात्रा में भाजपा की नीतियों पर जमकर हमला बोला। काशीपुर है, आजपुर है, उदयपुर है, खटीमा, ये सब इसको मिनी पंजाब बोलते हैं। ये गन्ना बेल्ट है और पंजाब में भी हमारे यहाँ गन्ने की खेती होती है, उनका भी यही हाल है। उनको भी चीनी मिलें पैसे नहीं देती, उनको धरने लगाने पड़ते हैं, 2-2 साल के पैसे नहीं आए। तो आज हमने किसान संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू की है, उसमें हम जो लगभग 1 साल से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं किसान, 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए और उनको रद्द करने का घोषणा पत्र जारी किया है कि जैसी सरकार बनती है हम विधानसभा में रद्द कर देंगे जैसे दिल्ली में कर दिया। और किसानों को 2500 रुपये धान और गेहूं का MSP और 400 रुपये क्विंटल गन्ने का हम खरीद की गारंटी देते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कितना भेजा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर
नाराज बजरंग दल के नेताओं ने रामगढ़ स्थित सलमान खुर्शीद की आवास में तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। हालांकि आग को बुझा लिया गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया। जानकारी के अनुसार खतखोल में स्थित सलमान खुर्शीद के आवास पर बजरंग दल के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगा है। खुला रख रहा था, आइए हम बैठे हैं, बात करें, एक कप चाय पीजिए, हमसे बात करिए। तो वो उस दरवाजे पे ये दस्तक करके गए हैं, आग से दस्तक करके गए हैं। हम तो सिर्फ बात करना चाहते थे। मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व ने देश ने को जो है नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का 60 प्लस युवा नेतृत्व का नारा साकार होगा। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और विधायक एकजुट हैं और पार्टी कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ती है और कहीं कोई भी जाने वाला नहीं है। जो भी कहा जा रहा है कई लोग उधर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं खानपुर विधायक प्रणव सिंह द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता मामले में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विधायक प्रणव सिंह मामले में जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पार्टी में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, 60 प्लस युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। अब उन्हें खाली पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई को जाने वाला नहीं है। सर, इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने जाते हैं और अपने मर्ज का इलाज कराते हैं, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जो मौत का खेल खेला गया? कैसे प्रतिबंधित दवाई अस्पताल के अंदर आई और कैसे अस्पताल के ही कर्मचारी की संदिग्ध हालातों में प्रतिबंधित इंजेक्शन लगाने से मौत हुई? ऐसे कई सवाल उजाला अस्पताल की कार्यशैली पर उठ रहे हैं और मौत का रहस्य सुलझाने में पुलिस लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। काशीपुर में उजाला अस्पताल में कर्मचारी की संदिग्ध मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आखिर कैसे हुई उजाला अस्पताल के इमरजेंसी में कर्मचारी की मौत और कैसे आई प्रतिबंधित दवा अस्पताल के अंदर? क्या किसी और ने रंजिशन लगाया मौत का इंजेक्शन या हत्या की रची गई थी पूरी साजिश? ऐसे कई सवाल उजाला अस्पताल में हुई कर्मचारी की मौत के बाद उठ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से खोजबीन में लगी है। पोस्टमार्टम में भी प्रतिबंधित दवा का इंजेक्शन लगने से मौत बताई जा रही है। अब सवाल ये भी है कि क्या वो इंजेक्शन किसी और ने लगाया या खुद से लगाया गया? तो ये तो कोई साजिश लग रही है फिलहाल इसमें। अगर कुछ भी अगर इनके साथ होता, अगर वहाँ भी मारपीट वाली होती, अगर हमें अभी बता रहे सब कि हमें एक घंटा हो गया ढूंढते, उसमें एक घंटे के बाद हमें पता चला कि जब इन्होंने यहाँ सीधा फोड़कर निकाला, अगर एक घंटा इतनी देर में निकाला तो वहाँ ब्लड इतना कम क्यों है और यहाँ इतना ज्यादा क्यों है, ये बताओ सर आप। हैं, यहाँ देखो आप बिल्कुल भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा। तो ये स्टाफ वालों से पूछो तो वो कोई पूरी बात बता कर नहीं दे रहा, गार्ड से पूछो तो कोई पूरी बात बता कर नहीं दे रहा। नहीं, इसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, अब क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, कैसे पता चलने कहा है? देखो आप पोस्टमार्टम होगा इनका, फिर डीआर होगा वहाँ देहरादून, वहाँ से होगा, जब उसके बाद वो कह रहे हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या कार्रवाई होगी। बहरहाल ये तो पुलिस की जांच का विषय है, पर फिलहाल परिजनों ने इस मौत पर हत्या की आशंका जताकर उजाला अस्पताल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि पुलिस भी इस बात को मान रही है कि प्रतिबंधित इंजेक्शन से कर्मचारी की मौत हुई है। जो अस्पताल में कैसे आई या कैसे लगाई गई, इसको लेकर पुलिस खोजबीन कर रही है। यही नहीं, मौत की वास्तविक कारणों को जानने के लिए भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसका जल्द ही पुलिस खुलासा करने की बात कह रही है।
भूजल हॉस्पिटल का एक कर्मचारी संदिग्ध अवस्था में हॉस्पिटल के एक कमरे में और वॉशरूम में मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस द्वारा मौका मुआयना करके पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम हेतु भेज दी गई है। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो दवाई वहाँ के डॉक्टर से बातचीत करने पर पता चला, जो दवाई सस्पेक्टेड है कि जिससे उसकी मृत्यु हुई जिस इंजेक्शन से, वो प्रतिबंधित दवाई है। अब जांच में ये भी जांच की जाएगी कि उस हॉस्पिटल में वो प्रतिबंधित दवाई कैसे आई, उस व्यक्ति के हाथ में कैसे आई, और उसकी मृत्यु का असली कारण भी पोस्टमार्टम के पश्चात ही पता। मौत का सामान आखिर कैसे जुटाया गया? उजाला अस्पताल में जहां लोगों को जीवन दिया जाता है, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ जो मौत का खेल खेला गया? अस्पताल की इमरजेंसी में हुई कर्मचारी की मौत से मचे हड़कंप से पुलिस भी सख्ते में है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की बारीकी को ध्यान में रखकर अपनी मौत के कारणों को जुटाने में लगी है। देखना होगा कि आखिर इस मौत का कौन सा रहस्य खुलकर सामने आता है। के न्यूज इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।